क्या आप भी अपने मोबाइल के सभी इनकमिंग कॉल को बंद करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल पर आने वाली सभी कॉल को कैसे बंद कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और अपने मोबाइल पर आने वाली सभी इनकमिंग कॉल को हम बंद करना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहे तो अपने मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे चाहे हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन आने वाली सभी कॉल को हम सिर्फ बंद कर सकते हैं कि कोई कॉल नहीं आएगी, और उसे जब चाहे तब हम अपने अकॉर्डिंग शुरू भी कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना है, अपने मोबाइल की सभी इनकमिंग कॉल को बंद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डायलर पर क्लिक करना है। यहां पर जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और यहां पर ऊपर देखिए आपको दो बिंदु देखने को मिला है, दो डॉट, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। ये सभी मोबाइल की सेटिंग से थोड़ी अलग प्रकार की हो सकती है, तो हो सकता है दो बिंदु आपके में नीचे हो, तो आप चेक कर लेना। वो दो बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बाद देखिए आपको यहां पर एक सेटिंग का आइकन मिलेगा, यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहां पर कैरियर कॉल सेटिंग्स। अगर आपको यहां पर इस तरीके से नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर ऊपर सर्च आइकन होता है वहां पर भी डालकर ये सर्च कर सकते हैं कैरियर कॉल सेटिंग्स, तो डायरेक्ट आ जाएगी। इसके बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएगा, और आने के बाद यहां पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉल फॉरवर्डिंग, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अगर आपके में दो सिम होंगे तो सिम चूज करने को आएगा, फर्स्ट और सेकंड। मेरे में एक ही सिम है तो यहां पर कोई सिम नहीं चूज करने को आया, अपने अकॉर्डिंग सिम चूज कर लेंगे कि किस सिम की आप यहां पर आने वाली कॉल बंद करना चाहते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए वॉइस का ऑप्शन आएगा, तो आप वॉइस कॉल को बंद करना चाहते हैं या वीडियो कॉल को बंद करना चाहते हैं, तो आपको यहां पर वॉइस कॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वॉइस कॉल पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए रीडिंग होगा, और रीडिंग होने के बाद देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब यहां पर क्या करना है, आप अगर आपके आने वाली कॉल ही बंद होंगी, आप अपने मोबाइल का इंटरनेट यूज कर सकेंगे, आप जिसे कॉल करना चाहे उसे कॉल कर सकेंगे, और आने वाली ही कॉल बंद होती है आप उन्हें अगर फिर से बंद कर देंगे तो आप कॉल आना शुरू हो जाएगी, तो दोनों सेटिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आना है और यहां पर देखिए लिखा है एलवेज फॉरवर्ड, आप यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको एक नंबर डालना होगा, और वो नंबर ये होना चाहिए कि आपका कोई भी पुराना नंबर हो जो नंबर बंद हो चुका हो, या फिर ऐसा कोई भी नंबर हो जो स्विच ऑफ हो या फिर जिस पर फोन ना लगता हो। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है तो आप कोई भी ऐसा अननोन नंबर यहां पर डाल सकते हैं जो आपको लगता हो कि ऐसा नंबर बंद हो सकता है, वरना मैं अपना एक बंद नंबर है जो बहुत ओल्ड पुराना है, जिस जो कंपनी बंद हो चुकी है उनका नंबर मैं यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। तो आपको एक नंबर यहां पर डाल देना है, वरना आप यही नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ नंबर डालने के बाद आपको ऑन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑन पर क्लिक करेंगे अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पर बैक आ जाएंगे, आप किसी को भी आप कोई भी कॉल करेगा आपको तो आपके मोबाइल में कोई भी कॉल नहीं लगेगी। चलिए मैं यहाँ पर अपने दूसरे फोन से कॉल करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या बताता है, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने दूसरे नंबर से कॉल यहाँ पर मिलाने वाला, तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको मैं लाइव भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए ओपन कर लिया हूँ कैमरा को, यहाँ पर मैं बैक कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारा मोबाइल है, और यहाँ पर देखिए मैं अपने दूसरे नंबर पर इस फोन से कॉल मिला रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए कॉल जाएगी, तो क्या बता रहा है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। द डायल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गाइज, ये जो मेरा नंबर है वो वाकई में बंद है, क्योंकि वो काफ़ी समय से बंद है, तो उस पर जब कोई कॉल करेगा तो वो उस पर डायल करने के बाद उस पर फ़ोन जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद कि वो बताएगा, क्योंकि वो उपलब्ध ही नहीं, क्योंकि वो ब्रांड जो पहले थे एयरटेल, वो पुराने सिम जो चलते थे तो वो कंपनियाँ बंद हो गई, तो अब वो उपयोग में ही नंबर नहीं है, तो वो अब इस फ़ोन पर बता रहा है जो हमारे जो नंबर अभी चालू है। तो इसे हम बंद करना अगर चाहते हैं तो इसे बंद कैसे करेंगे, तो इसको बंद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन ऊपर दिखाई देगा कॉल फॉरवर्डिंग का, यहीं पर देखिए ये दिखा रहा है आपको, इस पर सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करता हूं, और जैसे क्लिक करूंगा तो यहां फिर से वहीं आ जाऊंगा, मैं वॉइस कॉल पर क्लिक करता हूं, फिर से आपको वहां पर क्लिक करना है उसी तरीके से, और बिल्कुल वहां पर बिल्कुल सेम उसी तरीके से प्रोसेस है जहां पर आपने नंबर को ऐड किया था उसे डिलीट करना है, ठीक है। एलवेज फॉरवर्ड यहां पर आप क्लिक करेंगे, और ये नंबर को ऑफ पर क्लिक कर देना है, ऑफ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये नंबर हट जाएगा। अब देखिए मैं उसी नंबर को यहाँ पर मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ, तो अभी आपके सामने देखिए वही नंबर यहाँ पर लगे, इसी नंबर में मैं फिर से कॉल कर रहा हूँ तो अभी फोन लगना शुरू हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए ये फोन आ रहा है इसी नंबर से, आवाज सुन पा रहे होंगे अब। मैंने फोन को काट दिया है, फोन कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर फोन कट करने के बाद देखिए आपको सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल पर जितनी भी सारी कॉल आने वाली हैं किसी दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या फिर आने वाली अपनी कॉल को सभी कॉल को एक बंद नंबर लगाकर उसे सारी आने वाली कॉल को बंद कर सकते हैं, और जब चाहे उन सभी को फिर से आप शुरू भी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं छोटा सा वीडियो था, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।